आज बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही नई रेसिपी जो शायद ही कभी आपने ट्राई करी होगी। बच्चे से लेके बड़े तक सभी के सभी इस रेसिपी के दीवाने हैं दोस्तों। जब भी घर में इस रेसिपी को बनाया जाता है मैं इस पे टूट पड़ता हूँ और आप भी टूट पड़ेंगे जरूर, क्योंकि इस रेसिपी में बात ही कुछ ऐसी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए लगभग 4 से 5 ब्रेड को ले लीजिए और आप इन्हें छोटा छोटा काट लीजिए चाकू या कैंची, जो भी आप किचन में यूज करते हो उसकी मदद से। आप एक ब्रेड के 9 पीसेस कर लीजिए, 3 ऐसे और 3 ऐसे, तो लगभग 9 पीसेस हो जाएंगे, तो 4 ब्रेड के 36 पीसेस हो जाएंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में इसे बनाना हो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो झटपट मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड आपको काट के दिखा देता हूँ कि हमारी ब्रेड कितने अच्छे से कट के आपके सामने आ जाएगी। सारी की सारी ब्रेड्स को बस आपको ऐसे ही काट लेना होगा और ये हमारी कटी हुई सारी की सारी ब्रेड्स अब आपके सामने हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से गैस पे चलते हैं और एक पैन लेके उसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल अपनी पसंद का कुकिंग ऑयल कोई भी ले लीजिए और बस इसको आप गर्म होने की वेट कर लीजिए। ठीक ठाक क्वांटिटी में ले लीजिएगा झटपट और गैस को, तेल को मीडियम गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई हीट मत कीजिएगा। अब ये जो ब्रेड आपने काट के रखी थी सारी की सारी इसमें डाल दीजिए। ये लीजिए, आप चाहें तो ऑयल में डायरेक्ट काट के भी ऐसे ब्रेड डाल सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बस ऐसे ही, लेकिन आपकी मर्जी है आपको पहले से ही काट के रखनी है या फिर सामने काटनी है। तो ये हल्की आंच पे ये हमारा ठीक ठाक फ्राई हो जाएगा। आपको इसको गोल्डन कलर का कर लेना होगा, थोड़ा सा करारा हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी में ब्रेड जो है वो एकदम क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। अब दोस्तों हमने पहले थोड़ी सी इसके लिए चाशनी तैयार करके रखी थी, वो दिखाते हैं कैसे तैयार करी थी, तब तक वो फ्राई हो चुका होगा। हमने चाशनी के लिए क्या, थोड़ा पानी लिया था लगभग आधा कप और एक करछी इसमें डाला था हमने चीनी को, अच्छे से इसको गर्म करके पिघलाया था और इसकी अच्छी चाशनी तैयार करी थी। इसमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, बस आपको चीनी को अच्छे से पानी में पिघला के 2-3 मिनट गैस को हाई रखना है और उसके बाद गैस बंद कर देना है, क्योंकि चीनी फिर बंद होती ही थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दीजिए, ऑप्शनल है, या फिर केसर या फिर इलायची, जो भी आपको पसंद हो। और इसमें थोड़ा सा नींबू भी जाता है दोस्तों, नींबू से क्या होता है 4-5 बूंद से ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और एक अच्छा सा स्वाद बन के निकलता है। तो चलिए जो हमारी चाशनी है वो लगभग बस झटपट बन के तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा बस नींबू डाल दीजिए, तो थोड़ा सा नींबू गया और ये चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार। बस एक ही मिनट में मैंने उसके बाद गैस को बंद कर दिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे हमारी ब्रेड अच्छे से फ्राई हो चुकी होगी, तो अब इस चाशनी का हम इस्तेमाल करेंगे। आप इस चाशनी को थोड़ा सा पहले ही बना के रख लीजिएगा, चाशनी की गैस करा बंद। तो यहाँ हमारी ये जो ब्रेड है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और चाशनी अब ठीक ठाक हमारी ठंडी हो गई है। ठीक ठाक ठंडी मतलब क्या है, कोसी कोसी है, गर्म है लेकिन एकदम उबली हुई नहीं है। तो इसमें अपनी सारी की सारी ब्रेड एक एक करके डाल दीजिएगा, तो ये बढ़िया ब्रेड का स्वीट डिश बन के तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं है, आगे हम इसमें बहुत ही अच्छी ये कारीगरी भी करने वाली हैं। तो ये आपको कुछ रबड़ीदार या फिर जो खोए वाला घेवर होता है या फिर आप कहीं शाही टुकड़ा होता है, उस तरीके का स्वाद देने वाली है। आगे जो हम कारामात करेंगे उससे आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी ब्रेड्स को तो झटपट निकाल लीजिए एक एक करके। तो ब्रेड हमारी प्लेट में वापस गई, ये चाशनी में डूबी हुई, बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रिस्पी है, बढ़िया है। और ये बस कुछ रह गई हो तो इन्हें भी निकाल लीजिए फटाफट चाशनी में से। तो दोस्तों ये सारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब आगे इसके लिए हम एक खोए की रबड़ी बढ़िया तैयार करेंगे, जिसमें हम खोए का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले, घर के दूध से ही बना देंगे बढ़िया इसके लिए। तो अब क्या करेंगे, सारी की सारी निकालने के बाद वापस चलते हैं, एक पैन ले लेते हैं और पैन में डाल देते हैं 1 गिलास दूध, थोड़ी चीनी स्वाद अनुसार, और इसको पकाइए अच्छे से। ये जो रेसिपी आज बहुत ही उमदा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। घर में बच्चे से लेके बड़े सभी बार बार इस रेसिपी को बनवाने की मांग करते हैं और इसीलिए ये हमेशा इतनी बढ़िया बन के तैयार भी होती है। तो इसको आपको उबालना होगा अच्छे से और अब ऑप्शनल है, आप इसमें या तो थोड़ा खोया डाल लीजिए या फिर आप इसमें डाल लीजिए मिल्क पाउडर, दोनों से ही ये बढ़िया स्वाद देगी। मिल्क पाउडर छोटी कटोरी काफ़ी हो जाएगा, दूध इससे अच्छा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर पक के। तो ये देखिए हमारा अच्छे से दूध ये पक रहा है और दोस्तों जब ये एंड में तैयार होगी इसको अच्छे से हम गार्निशिंग भी करेंगे और ये बढ़िया आप ब्रेड का शाही टुकड़ा या फिर शादी पार्टियों में भी आपने इस रेसिपी को ज़रूर खाया होगा। ये ब्रेड की स्वीट डिश बनाना बेहद आसान है, मात्र 10 ही मिनट में बन के तैयार करी थी। ये हमारा मिल्क पाउडर चला गया,
बढ़िया भाई, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बॉयल दिला लीजिए और थोड़ी देर नॉर्मल आंच पे पका लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा दूध अच्छे से पक रहा है, एक तरफ हमारी ब्रेड्स तैयार हैं चाशनी में डूबी हुई। दूध बस अच्छे से एक बार और थोड़ी सी देर पका लीजिए। ये देखिए अच्छे से गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है दूध में। अभी आपको दूध की थिकनेस भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छे से छुटवा लें साइड से, ये पैन से चिपके नहीं, इससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। बस ये देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है अच्छे से। बस हमारा फाइनल बॉयल और ये हमारी बढ़िया रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। और फिर इसी रबड़ी को हम दूध के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं, और दूध के ऊपर नहीं ब्रेड के ऊपर, जो अभी हमने फ्राई करने के बाद बढ़िया से चाशनी में डुबो के रखी हुई है। आप इसे देसी घी में भी चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड को बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। तो चलिए बस ये हमारी रबड़ी भी तैयार है, आप देख सकते हो कितने अच्छे बॉयल्स आ गए हैं, कितनी गाढ़ी हो चुकी है अभी। ये देखिए गाढ़ापन इसमें आ चुका है। तो चलिए दोस्तों गैस को फटाफट से कर लेता हूँ मैं बंद, गाढ़ी रबड़ी तैयार है, और फिर इसको फटाफट से ब्रेड जो है हमारी उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये गैस कर दिया बंद हमने, देख सकते हैं बाप, और ये हमारी रबड़ी तैयार। तो कैसी लगी दोस्तों ये शाही टुकड़ा की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इसे बादाम पिस्ता जो भी आपके घर में उससे गार्निश कर लीजिए, और बस इसका मज़ेदार स्वाद आपका दिल जीत लेगा। मैं चलता हूँ दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।